नमस्कार और स्वागत है आपका हेल्थ मांगे मोर के एक और टेस्टी एपिसोड में। साहिल, टेस्टी ही नहीं, हेल्थी भी। हमारे यहाँ जो भी हम हेल्थ मांगे मोर में बनाते हैं, जो टेस्टी होता है वो हेल्दी तो होता ही है, और जो भी हम हेल्दी बनाते हैं उसको टेस्टी तो हम बनाएंगे ही। जी, मैं हूँ आपका शेफ साहिल अरोरा और मेरे साथ है डॉक्टर दीपिका मलिक। दीपिका, आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने एक बच्चे को देखा, उसकी उम्र लगभग 15 साल होगी, लेकिन वो हेल्थ से काफी अच्छा था। साहिल, आजकल बच्चों को देखकर मुझे भी काफी चिंता हो जाती है। जो चाइल्ड ओबेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसका मेन रीजन मुझे समझ में आता है कि बच्चे काफी अनहेल्दी खाना खाते हैं, बिल्कुल। जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए फिर आज एक ऐसी चीज बनाते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, टेस्टी तो है ही और हेल्दी भी होगी। तो चलिए करें शुरुआत। बिल्कुल, अब हम बनाएंगे आज मिस्सी रोटी। तो शुरू करते हैं मिस्सी रोटी। उसके लिए चाहिए हमें गोभी। हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, हम गोभी को इसमें ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिशियस उसको बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए। क्योंकि गोभी, आपको काफी हैरानी होगी जानकर कि गोभी में काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसको डालते हैं हम एक बोल में। अब थोड़ा सा प्याज लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा फाइन और चॉप कर लेते हैं। और दीपिका, आज हम बनाएंगे इसके साथ आलू और पुदीने का रायता, यानी कि आलू एंड मिंट रायता। चलिए फिर लंच में जरूर खाइएगा नेक्स्ट टाइम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, करीब 5 ग्राम के आसपास, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च जी, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे आटा। ये किस चीज का आटा है साहिल? ये हम गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं। ओके, हम डाल रहे हैं इसमें बेसन। जितना आपने आटा डाला है जी, उसका आधा डालिए बेसन। राइट, हमने 2 चम्मच डाला था आटे का, जी, तो 1 चम्मच हम डाल रहे हैं बेसन का। ओके, और इसमें डाल रहे हैं हम चने का पाउडर, विच इज फिर से आधा जी चम्मच। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। बेसन और चना एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और आटा जैसे हम जानते हैं बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, आप उनको इस तरह का नाश्ता दीजिए जिसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी हो और थोड़ा प्रोटीन भी हो। तो चलिए बनाएं फिर। आटा बिल्कुल गूंदे इसके लिए, ये जी चाहिए थोड़ा पानी। जी अब डालें इसमें थोड़ा सा और बस। जी आटे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आप और स्पाइसी चाहते हैं जी तो हरी मिर्च चॉप करके इसमें डाल लें। जी, और अगर हम इसे और भी ज्यादा फाइब्रस करना चाहते हैं तो इसमें आप ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि मेथी के पत्ते, उनको आप छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। आप पालक डाल सकते हैं। मेथी या पालक डालने से इस रोटी का आयरन कंटेंट भी बन जाएगा। आटा जो है हमारा पूरा गूंद चुका है, इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसको फिर से आप रोल कर लीजिए जी, और इसको इक्वल पेड़ों में बना लेते हैं हम। जी, इसको आटा लगा के नीचे रखें ताकि ये चिपके आराम नहीं। से निकल जाए, चिपके नहीं। अपना पैन गरम होने के लिए थोड़ा सा इसमें ऑयल। साहिल, एक टाइम था जब आप देखते थे कि पार्क में, गलियों में भीड़ लगी होती थी बच्चों की। शाम को कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बॉल खेल रहा है, कोई झूले झूल रहा है, पर आजकल तो सारी जगह खाली है। ना पार्क में बच्चे दिखाई देते हैं, ना गलियों में बच्चे दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो चुका है। जी, बच्चे आजकल टीवी के सामने बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एनकरेज करिए। अगर वो खुद खेलने अकेले नहीं जाते, कुछ दिन आप उनके साथ जाइए। अगर वो साइकिल चला रहे हैं तो आप भी उनके साथ साइकिल चलाइए, या आप उनके साथ स्पोर्ट्स खेलिए। और अगर बच्चे खेलते हैं तो उनको भूख भी लगती है, तो वो खाना भी खाते हैं, तो आप जो भी खाना परोसेंगे, जो भी हेल्दी खाना परोसेंगे, उसको भी बहुत बहुत प्यार से खा लेंगे। एकदम सही। तो
ठीक रोटी बन चुकी है जी। इसको हम प्लेट में डालते हैं और साथ ही साथ करते हैं रायते की तैयारी। थोड़ा सा तेल फिर से डालते हैं दूसरी रोटी के लिए। साहिल अगर घर में मैं इस तरह से चपाती फ्लिप करूं तो वो नीचे ही आ जाएगी। कोई बात नहीं, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए जी। और अगर आप ये प्रोग्राम रोज देखेंगे जी तो आप जरूर फ्लिप कर सकते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है, मैं तो जरूर सीख जाऊंगी। तो चलिए, हमने आलू बॉईल करके रखा हुआ जी। है और आजकल मार्केट में हर जगह लो फैट दही भी अवेलेबल है, इनफैक्ट मिल्क अवेलेबल है। अगर आप घर में जमाते हैं दही तो लो फैट मिल्क से जमाइए। दही आपको मदद करती है आपके खाने पचाने में और आपको अच्छे गुड बैक्टीरिया देने के लिए जो कि हमें चाहिए हमारे खाने को पचाने के लिए। बिल्कुल, तो तैयारी हो रही है इस समय रायते की जी। इसमें हम डालेंगे मिंट जो हमने काट के रखी हुई है जी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि मिंट को यानी कि पुदीने को जब आप एक बार काट लेते हैं जी। तो आप उसको दोबारा ना काटें। अगर आप दोबारा काटेंगे तो उसका फ्लेवर भी चला जाएगा और उसमें कालापन भी आ जाएगा। ओके। ये है आपकी दही जी जो आप रायते के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डालिए थोड़ा सा नमक जी। इसको मिलाइए जी। साहिल, आई एम श्योर बच्चे ये चपाती और ये रायता बस देखते ही खत्म कर देंगे। हल्का सा मैं एक जीरा पाउडर ले रहा हूँ भुना हुआ, इसको आप इसके ऊपर डालिए। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जी और ये आपका रायता तैयार जी। तो लीजिए दीपिका, रेडी है मिसी रोटी आलू और पुदीने के रायते के साथ। मिसी रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप फूल गोभी बारीक कटा हुआ, आधा कप प्याज बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच गेहूं का आटा, एक बड़ा चम्मच बेसन, एक बड़ा चम्मच चने का आटा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार। आलू और पुदीना रायता बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज आलू कटा हुआ, दो से तीन बड़े चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, डेढ़ कप लो फैट दही, नमक स्वाद अनुसार। मिसी रोटी बनाने के लिए प्याज, फूलगोभी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला लें। इसमें गेहूं का आटा, बेसन और चने का पाउडर डालकर आटा जैसा गूंद लें। अब इस आटे को बराबर हिस्सों में बांट लें और बेलें। नॉनस्टिक तवे पर दोनों तरफ से करारा होने तक रोटी को सेक लें। मिसी रोटी तैयार है। आलू और पुदीना रायता के लिए आलू, पुदीना, लो फैट दही और नमक को एक बॉल में अच्छे से मिला लें। आलू और पुदीना रायता तैयार है।